फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीना सोडा सिकंजी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी, आप फटाफट बना सकते हो। गर्मी में जब आप पियोगे तो बहुत ताजगी फील होगी। तो आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर आज मैं बनाती हूँ पुदीना सोडा सिकंजी। इसे बनाने में जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है। ये मैंने पुदीना लिया है, पुदीना की मैं आपको ये एक ग्लास की रेसिपी बता रही हूँ। ये मेरे को इसमें 6 से 7 पुदीने की ऐसी पत्तियाँ चाहिए। और ये मैंने एक नींबू का गोल सर्कल लिया है, ये मैंने डेकोरेशन के लिए लिया है, या आप अवॉइड भी कर सकते हो। ये एकदम छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक। और ये मैंने 2 टीस्पून के करीब नींबू लिया है, नींबू का रस। और ये मैंने पीसी हुई चीनी ली है, इसकी जगह आप साबुत चीनी भी ले सकते हो। अगर आप साबुत चीनी लोगे तो पहले चीनी में 1 चम्मच पानी मिला के इसको रख दे और उसको मेल्ट होने दे, तब उसके बाद सारी चीजें ऐड करें। तो चलिए फिर आज हम बनाते हैं पुदीना सोडा सिकंजी। पुदीना सोडा सिकंजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये पुदीने की पत्ती लूंगी। मैं ये 5 पुदीने की पत्ती ली हूँ और इसमें ये अदरक डाल दूंगी। और अदरक डालने के बाद मैं इसे कोई भी चीज, जो भी आपके पास कूटने का है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो ये मैं बेलन यूज कर रही हूँ। इस तरह आप इसको ऐसे ऐसे कूट लो ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, इस तरह आप कूटोगे तो। और अगर आप मिक्सी में करोगे तो उसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा। अब आप देख सकते हो ये पूरा अच्छे से मेरा कूट गया है। इस तरह करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप यही मेथड यूज करना। सबसे पहले मैंने पीसी हुई चीनी ली है, इसलिए मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा मेल्ट होने के लिए। तो मैं 2 टीस्पून लूंगी, 1 कप के लिए 2 टीस्पून पाउडर शुगर बिल्कुल भरी हुई होनी चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर होगी। अगर आपको कम पसंद है शुगर तो आप कम डालें। और 2 टीस्पून नींबू का रस। और ये मैंने 1/4 इंच चाट मसाला लिया और 1/4 इंच ही काला नमक लिया, ये दोनों भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये जो मैंने मसाला बनाया है अदरक और पुदीना का, वो इसके अंदर डालूंगी। और इसके अंदर ये मैं आइस क्यूब्स डालूंगी। अब मैं ये सोडा डालूंगी, सोडे की जगह पानी भी यूज कर सकते हो, वो आपका टेस्ट है। और आप इसको इस तरह मिक्स करते जाएं। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह ये देखिए, बिल्कुल 2 मिनट में हमारी सोडी सिकंजी तैयार हो गई। आप कोई भी आप प्लेन सिकंजी सर्व करोगे, ये थोड़ा इनोवेटिव हो जाएगा तो लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और पुदीना गर्मियों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ठंडा करता है। और इस तरह आप डेकोरेट करके सर्व करें। थोड़ी सी ऊपर से भी पुदीने की पत्ती डाल दें। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है और कितना अच्छा ड्रिंक है। और ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, आप इसमें चाहो तो चीनी कम भी डाल सकते हो। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, और पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू।